हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस टाइम इज टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सबसे पहले स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, हेल्दी रहेंगे फिर पढ़ाई करेंगे हम लोग। ओके, सो पिछले वीडियो में हम लोग क्या देख रहे थे? हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इस वीडियो में हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो हमने क्या देखा था, लीनियर इक्वेशन में होता क्या है? लीनियर इक्वेशन में एक कोई वेरिएबल होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, वाई, और कुछ नंबर्स होते हैं, है ना। यहाँ पे हमारे पास नंबर्स क्या है, 4 है, 5 है, 2 है। अच्छा, मैं सिर्फ अभी नंबर्स लिख रहा हूँ, 2 है, इतना लेफ्ट साइड में है, और राइट हैंड साइड में क्या है, 3 है और 2 है। मतलब कुछ नंबर और कुछ वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से ही इक्वेशन बनता है। और हमारे सिलेबस में अभी सिर्फ वही इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक हो, जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल है वाई, एक वेरिएबल है वाई, और इस वेरिएबल के पावर में भी कुछ नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का पावर कुछ नहीं होना चाहिए, पावर 1, ठीक है। और क्या देखा था हमने, इक्वेशन में एक इक्वल टू का साइन होता है, जैसा कि यहाँ पे है, और इस साइन के एक लेफ्ट साइड होता है, साइन इक्वल टू से एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। यही होता है इक्वेशन। इक्वेशन में इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। और ये सारे नंबर्स और वेरिएबल जो है, इन सबको किसी न किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन से कनेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन क्या है, डिवीजन एक ऑपरेशन है, वाई डिवाइड बाई 4 है ना। फिर एक प्लस का ऑपरेशन है, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। फिर 5 डिवाइड बाई 2 है, तो फिर से एक डिवीजन का ऑपरेशन है ना। 5 बाई 2 को डिवाइड लिख सकते हैं ना, 5 बाई 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। उसी तरह से राइट हैंड साइड में क्या है, 3 डिवाइड बाई 2 है, तो एक डिवीजन का ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी है। इसी तरह का ऑपरेशन हो सकता है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, सॉल्व करने के लिए हमें करना होता है कि एक साइड में हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चाहिए। मान लो उसको लेफ्ट साइड में ही ले आते हैं, वेरिएबल को एक लेफ्ट साइड में ले आते हैं, और इज इक्वल टू राइट साइड में जितने भी नंबर सब है सब राइट साइड में रहेंगे, और उन सबको कैलकुलेट करके एक सिंगल नंबर आ जाएगा, है ना। अगर हमारे पास इतने सारे नंबर्स हैं, जो गिवन इक्वेशन है, इसमें हमारे पास ये देखो इतने सारे नंबर्स हैं, 3 नंबर लेफ्ट साइड में हैं, राइट साइड में 2 नंबर हैं, ऑपरेशन बहुत सारे हैं, डिवाइड है, प्लस है, इंटू है, एक माइनस भी है, यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन हैं। तो अगर बहुत सारे ऑपरेशंस करने हैं कुछ नंबर्स के ऊपर, तो ऑपरेट करके तो एक नंबर फाइनली निकल जाएगा ना। अगर मैं जिनसे लिख दूँ 5 × 4 − 3 / 2 + 2, इस तरह से मैं कुछ एक लंबा सा इक्वेशन लिख दूँ, इसमें क्या है, सिर्फ नंबर्स है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसको सॉल्व करके एक नंबर आ सकता है। तो यदि देखो, अब समझ लो, यहाँ पे यही समझने की चीज़ है, यदि हमारा वेरिएबल सिर्फ एक तरफ आ गया, ये जो वेरिएबल है यह इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आ गया, और सारे नंबर्स को हमने राइट साइड में भेज दिया, तो हमारा काम हो गया। काम हो गया ना, बस इतना सा ही काम करना रहता है, तो रिवाइज हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने दो मेथड देखे थे, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से बना देता हूँ, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस मैं एक ही मेथड से बनाऊंगा। मेथड 1, इसमें क्या करते थे हम लोग, दोनों साइड में किसी नंबर को ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इस तरह से करते थे। दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सेम नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, कुछ भी कर दिया। तो हमारा इक्वेशन ये है, y/4 + 5/2 = −3/2, है ना। अब ये 5/2 है, हमें लेफ्ट साइड में सिर्फ y चाहिए, तो ये 5/2 को पहले हटाना होगा लेफ्ट साइड से। 5/2 को हटाने के लिए क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम बोथ साइड। 5/2 ही क्यों कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना, फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। तो हमारा क्या आता है इक्वेशन, y/4 + 5/2 − 5/2 = −3/2 − 5/2। तो ये दोनों को कैलकुलेट करके क्या आएगा, −3/2 − 5/2 − 8/2 = −4, ठीक है। और लेफ्ट साइड में ये 5/2 5/2 कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास क्या आ गया, वाई डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 4। अब दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई बाई 4 कर दें, है ना, ये पूरा इक्वेशन जो है इसको दोनों साइड इंटू 4 कर देना है, तो क्या आ जाएगा, वाई डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 4। राइट साइड में तो माइनस 16 आएगा और लेफ्ट साइड में माइ 4 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर सीधा सीधा आ गया y इज इक्वल टू माइनस 16। आंसर आ गया, कुछ खास तो नहीं किया, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं था, जो नंबर्स दिख रहे थे इक्वेशन में उन्हीं के साथ कुछ कुछ किया है। यहाँ पे 5/2 था, देखो यहाँ पे 5/2 दिख रहा था, 5/2 दिख रहा था, इसको गायब करना था हमें, इसको गायब करना था तो -5/2 कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें y डिवाइड बाई 4 दिख रहा था, यहाँ पे y डिवाइड बाई 4 है, इस 4 को गायब करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4 गायब होगा ना, y डिवाइड बाई 4 है इंटू 4 करेंगे तो y गायब हो गया, बस इतना ही तो किया है, आंसर आ गया हमारा। तो चलो एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग। चेक करने के लिए क्या करना होगा, वाई की वैल्यू -16 रख देनी है, क्या होगा, -16 डिवाइड बाई 4 प्लस 5/2, यह हमारे लेफ्ट साइड में है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा यह, तो -8 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -3/2 इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है। अगर आंसर गलत आएगा तो एल एच एस इंटू आर एच एस कभी नहीं होगा, ठीक है, मेथड वन क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब मेथड टू पे आते हैं, चलो मैं मेथड वन अभी नहीं मिटाऊंगा, मेथड वन को रहने दो यहीं पे, मेथड टू को बना देते हैं सिर्फ, यहीं पे मैं मेथड टू से बना देता हूँ। मेथड टू में ये सब्ट्रैक्ट 5/2 दोनों तरफ से नहीं करते हैं हम लोग, हम लोग क्या करते हैं, इस 5/2 को राइट साइड में ले जाना है सिर्फ, यहाँ दोनों साइड अगर -5/2 किया तो भी 5/2 गायब हो जाएगा, और अगर इस 5/2 को यहाँ से उठा के राइट साइड में ले गए तो भी 5/2 तो गायब होगा ना, तो हमारे पास क्या आता है, y डिवाइड बाई 4 माइनस इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2 -5/2, ये 5/2 जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, -8/2 इज इक्वल टू -4। अब फिर हमारे पास है y डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू -4, अब हमें इस 4 को राइट साइड में ले जाना है, तो ये 4 जो डिवाइड में है इधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, y इज इक्वल टू -4 इंटू 4 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -16, ठीक है। तो देखो सेकेंड मेथड और फर्स्ट मेथड दोनों में काम एक ही होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सेकेंड मेथड थोड़ा सा आसान जैसा नहीं लगता है, लिखना कम होगा, यहाँ +5/2 था फिर -5/2 लिखो फिर दोनों को कैंसिल करो, इससे अच्छा सीधा सीधा राइट साइड में -5/2 कर दो ना, बात तो वही होगी। तो अब से हम लोग सिर्फ मेथड टू से मैं सॉल्व करूँगा, अगर कहीं पे किसी को कुछ डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो, उसको दोनों मेथड से मैं बता भी दूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरीफाई कर लेना है सॉल्यूशन को, जो भी सॉल्यूशन है उसको वेरीफाई किए बिना छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर बिना वेरीफाई किए छोड़ दिए तब तो फिर डाउट रह ही जाएगा दिमाग में। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसा लग रहा है, क्या देखा हुआ नहीं है पहले से, देखो इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें काम वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था, हमें एक्स सिर्फ चाहिए लेफ्ट साइड में, बाकी सब कुछ को जाना है राइट हैंड साइड में। एक्स को लेफ्ट साइड में रखने के लिए क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लोग 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 25। तो सबसे पहले इस 5 को राइट साइड में भेज दिया जाए, इसको उठा करके इधर भेज दिया जाए, तो मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5। अब इस 9 को उठा करके राइट साइड में भेज दो, यहाँ पे 9 माइनस में है राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14, कितना छोटा सा क्वेश्चन था, कितना आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो x की वैल्यू 14 रख दो, यहाँ पे आंसर आता है LHS इज इक्वल टू RHS आता है या नहीं, क्या आएगा,
फाइव इज इक्वल टू 14 माइनस 9, 5 × 5 इज इक्वल टू 25, इज इक्वल टू आधा चेस हो गया। हो गया, कितनी देर लगी क्वेश्चन बनाने में, कोई परेशानी हुई? बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें डिसाइड करना है कि किसको राइट साइड में भेजना है, किसको लेफ्ट साइड में लाना है। अगर राइट साइड में वेरिएबल आएगा तो उसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, वैसे क्वेश्चंस आगे देखेंगे हम लोग। अभी सिर्फ जो नंबर है उसको राइट साइड में भेजते जाना है, राइट साइड में भेजते चले जाओ, लेफ्ट साइड में सिर्फ एक एक्स बच जाएगा, एक्स बच जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे किसी के दिमाग में डाउट आ रहा है क्या कि 9 को पहले भेज देते तो 5 को ही पहले क्यों भेजा, 9 को भी तो भेज सकते थे ना, 9 को भेज सकते थे। लेकिन ये -9 करने के पहले तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है ना, ब्रैकेट के अंदर। अच्छा पहले मैं मिटा देता हूँ उस सर्कल को, हाँ। अब देखो ये एक्स में -9 करने के पहले उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, x-9 पूरा ब्रैकेट में है, इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 9 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो 9 को पहले नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि 9 को भेजने के पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है इस साइड में, है ना, लेफ्ट साइड में। अगर ये जब तक 9 है तो इसको 5 से पहले मल्टीप्लाई करना है, इसलिए पहले 9 को नहीं भेज सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर से किसी चीज को बाहर ऐसे नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है ना। देखो अगर 9 को ही पहले ले जाना होगा तो हमें ब्रैकेट को खोलना होगा। देखो यहाँ पे देख लो दूसरे तरीके से, कोई अगर बोलेगा मुझे ये 5 को नहीं ले जाना है लास्ट, तो उसके लिए हमें पहले ब्रैकेट को ओपन करना होगा। इस ब्रैकेट को क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करने से 5 × x - 9 × 5 इज इक्वल टू 25 आएगा। इस इक्वेशन से यह आ जा रहा है, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, एक्स फाइव को पहले, फाइव को पहले अगर नहीं ले जाना है तो ब्रैकेट को ओपन करना होगा, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब क्या आया हमारे पास इक्वेशन, 5x इज इक्वल टू, ये 9 × 5 कितना होता है, 45 होता है, 45 इसको राइट साइड में ले जाना है ना, तो आ जाएगा 25 + 45, मतलब 5x इज इक्वल टू 70। अब इस 5 को राइट साइड में ले जाना है, x इज इक्वल टू 70/5 इज इक्वल टू 14, वापस से वही आ गया, x इज इक्वल टू 14 जो पहले आया था वही चीज वापस आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, x इज इक्वल टू 14। LHS इज इक्वल टू RHS भी वेरीफाई कर लिया। अब देखो किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है ना कि क्यों पहले यहाँ से, यहाँ पे पहले 5 गया था, अब यहाँ पे पहले 5 नहीं जा सकता है, ये 5 पहले नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, चूंकि ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ये फाइव अब जो है ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड के एक पार्ट को मल्टीप्लाई कर रहा है ना, और यहाँ राइट हैंड साइड का पूरे राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर देगा, चला जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जब ये 5 था तो ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर रहा था, इसलिए पूरे राइट हैंड साइड में इसको ला सकते थे मल्टीप्लाई कर, था ना ऐसा। लेकिन अब यहाँ पे जब 5 आ गया है तो ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, यहाँ 9 × 5 है जिसको ये 5 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, इसलिए इस x को पहले नहीं ले जा सकते राइट में। किसको ले जाना है पहले, किसको बाद में ले जाना है, इसको ध्यान देना है। चलो एक और क्वेश्चन में बनाता हूँ, फिर देखना, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना। इसमें x राइट साइड में है, 0.6 इज इक्वल टू x/1.6 - 0.2, ठीक है। तो देखो हम लोग कर रहे थे कि x को लेफ्ट साइड में लाते थे, तो पूरा इक्वेशन को बदल दो, LHS इज इक्वल टू RHS अगर दिया है तो हम लोग RHS इज इक्वल टू LHS भी तो लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 10 लिखो या 10 इज इक्वल टू x लिखो, दोनों बात तो एक ही है,
तो यहाँ पे वही करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, एक्स डिवाइड बाई 1.6 -0.2 इज इक्वल टू 0.6। एल एच एस को आर एच एस में बदल गया, आर एच एस को एल एच एस में बदल दिया, ठीक है। अब राइट साइड पहले किसको ले जा सकते हैं, पहले 1.6 को ले जाएं या पहले 0.2 को ले जाएं? देखो ध्यान से यही समझने की चीज़ है, लेफ्ट से राइट में तो जाना है, हमारे पास दो ही नंबर है, एक 1.6 है एक 0.2 है, किसको पहले ले जाना है इसी को ध्यान देना है। तो पहले 1.6 को नहीं ले जा सकते हम लोग, क्योंकि ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड के एक पार्ट को ये 1.6 डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको नहीं ले जा सकते हैं। ये 0.2 जो है ये जा सकता है, ये ऐड कभी भी जा सकता है उधर, ऐड या सब्ट्रैक्ट को लेफ्ट से राइट ले जाने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मल्टीप्लाई या डिवाइड को लेके जाना है तो ये देखना होगा पूरे साइड को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। 1.6 तो लेफ्ट हैंड साइड के एक पार्ट को डिवाइड कर रहा है, तो 1.6 अभी नहीं जाएगा। एक्स डिवाइड बाई 1.6 इज इक्वल टू क्या होगा, 0.6 प्लस 0.2, ये 0.2 जब राइट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो थोड़ी देर के लिए मैं इसको कैलकुलेट नहीं करता हूँ, इस 1.6 को अब राइट साइड में ले जा सकते हैं, है ना। देखो समझाने के लिए, समझने के लिए चीज़ है यहाँ पे, इस 1.6 को अब राइट साइड में लेकर के जाना है हमें, यहाँ से यहाँ इसको लेकर के जाना है, यही करना है। और मान लो ये दो टर्म्स अलग अलग हैं जिसको मेरे को मल्टीप्लाई करने का मूड नहीं है, अभी मैं नहीं करूंगा मल्टीप्लाई, थोड़ी देर बाद कर, ऐड है सॉरी, ये ऐड जो है ये अभी नहीं कर रहा मैं। तो जब इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1.6 इंटू 0.6 प्लस 0.2, इस तरह से करना होगा, ये पूरे के पूरे राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। देखो पिछले बार जो मैंने बताया, अभी जो बताया था यहाँ पे, जो बताया था कि पूरा लेफ्ट साइड डिवाइड नहीं हो रहा है, या पिछले क्वेश्चन में भी बताया था पूरा लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे देखो पूरा लेफ्ट साइड, यहाँ पे अब पूरा लेफ्ट साइड डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे राइट साइड में भी जब यह जाएगा तो पूरे के पूरे राइट साइड को मल्टीप्लाई करेगा, ये नहीं कि किसी एक को कर दिया, एक को छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। जब यह 1.6 उठ करके राइट साइड में आएगा तो पूरे के पूरे राइट साइड को मल्टीप्लाई करेगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 1.6 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 0.8 1.28, एक्स इज इक्वल टू 1.28 आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, कैसे लेफ्ट से राइट में जाना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको पहले ले जाना है, किसको बाद में ले जाना है, बस सीखना इतना ही है इसमें, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन सब आते हैं तुम लोग को। एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे अब लेफ्ट साइड में एक्स 3 बार आ रहा है, फिर से दूसरे तरह का क्वेश्चन आ गया है, ये 3 बार है ना, एक्स बाई 2, एक्स बाई 3, एक्स बाई 15, क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, लेफ्ट से राइट में तो जाना ही जाना है, लेकिन किसको ले जाएंगे यहाँ पे, अब लेफ्ट से राइट में किसको ले जाएंगे, या राइट से लेफ्ट में तो 42 को लाने का कोई मतलब है ही नहीं, जब भी है लेफ्ट से राइट में ही जाना है किसी भी नंबर को, तो 2, 3 और 15 किसको ले जा सकते हैं। देखो इन तीनों में से कोई भी नंबर जो है पूरे लेफ्ट राइट को डिवाइड नहीं कर रहा है, एक एक्स को 2 डिवाइड कर रहा है एक बार, यहाँ पे एक्स को 3 डिवाइड कर रहा है, इस एक्स को 15 डिवाइड कर रहा है ना, तो 3x 3 बार आए हैं, लेकिन हर बार अलग अलग नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, तो अभी इन तीनों में से कोई भी राइट साइड में जाने के लायक है क्या, पूरा का पूरा लेफ्ट साइड को कौन डिवाइड कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले एलसीएम लेकर के लेफ्ट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या होगा, x/2 प्लस x/3 प्लस एक्स डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 42। एलसीएम क्या होगा 2, 3 और 15 का, एलसीएम 2, 3, 15 क्या होगा, 30 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ क्या आएगा 15 एक्स प्लस 10 एक्स प्लस 2 एक्स,
इज इक्वल टू 42, क्या आएगा? 15 प्लस 10, 25 प्लस 2, 27x डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 42। ठीक है, अब देखो यहां से अब 30 को भी राइट साइड में जाना है और 27 को भी राइट साइड में जाना है, तो अब किसी को भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये 27 जो है पूरे के पूरे राइट लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर रहा है, 30 भी पूरे के पूरे लेफ्ट साइड को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों में कोई भी पहले जाए कोई भी बाद में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो चलो मान लो पहले 27 को ही ले जाते हैं, तो क्या बचेगा? एक्स डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 27। फिर जब इस 30 को भी राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, तो इन टू 30। देख रहे हो, दोनों एक साथ भी जा सकते हैं, है ना? हमने दो स्टेप में जो लिखा एक बार भी अभी लिख सकते थे, अब कैंसिल करा दो, यह 10 आएगा, यह 9 आएगा, ये 3 आएगा, ये 14 आएगा, आंसर क्या आ गया? 140 डिवाइड बाय 3। ठीक है, चलो बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में देखें।